मैंने यूपीएस को ऑन कर दिया, बल्ब हमारा ऑन हो गया। अब दो तीन सेकंड बाद देखेंगे कि टेम्परेचर जा रहे हैं, ये देखिए 13.4। ऑन कर देते हैं, दो सेकंड में बल्ब ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया, फुल ब्राइट जल रहा है और ये कंज्यूम कर रहा है 8.9 एम्पियर। ओके दोस्तों, वेलकम यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत स्वागत है। आप सभी का एक क्वेश्चन बार बार आ रहा था, तो उस क्वेश्चन का आंसर आज, मतलब कि आज प्रैक्टिकल करेंगे। यूपीएस से चलाएंगे 100 वाट का बल्ब, ठीक है, कार की बैटरी से, और फिर पावर इन्वर्टर से चलाएंगे, देखेंगे कि यूपीएस बैटरी से ज्यादा एम्पियर खींचेगा या कंज्यूम करेगा, या पावर इन्वर्टर बैटरी से ज्यादा एम्पियर कंज्यूम करेगा 100 वाट के बल्ब को चलाने के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पर एम्पियर मीटर लगा दिया जो कि 50 एम्पियर तक काम करता है। ये हमने मीटर अभी बनाया है, कुछ दिन में इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी कैसे इसे बनाते हैं। अभी आप देख सकते हैं यूपीएस ऑन है, इस वोल्टेज को मत देखिएगा, ये इसके अंदर जो बैटरी लगी है उसकी वोल्टेज, आप सिर्फ एम्पियर देखेंगे। ठीक है, तो 350 मिली एम्प्स जा रहे हैं, 0.3 एम्पियर जा रहे हैं यूपीएस को ऑन रखने के लिए। इसमें फैन चल रहा है, नीचे इसकी किट ऑन करेंगे अब हम। ठीक है, देख सकते हैं अब मैंने यूपीएस को ऑन कर दिया, बल्ब हमारा ऑन हो गया। अब दो तीन सेकंड बाद देखेंगे कितने एम्पियर जा रहे हैं, 13.3, ये देखिए 13.4, 13.6, इस तरीके से ये 13.4, मतलब 13.5 एम्पियर लगभग जा रहे हैं 100 वाट के बल्ब को चलाने के लिए। यूपीएस 13.5 एम्पियर ले रहा है बैटरी से। ठीक है, अब पावर इन्वर्टर से यही बल्ब चला के देखते हैं। हमने कनेक्ट कर दिया पावर इन्वर्टर और उससे बल्ब कनेक्ट है 100 वाट का। अब देखते हैं कि पावर इन्वर्टर उससे ज्यादा एम्पियर लेगा या कम एम्पियर लेगा यूपीएस की तुलना में। ठीक है, ऑन कर देते हैं, दो सेकंड में बल्ब ऑन हो जाएगा। ऑन हो गया, फुल ब्राइट जल रहा है और ये कंज्यूम कर रहा है 8.9 एम्पियर, 9 एम्पियर कह सकते हैं। ठीक है, तो पावर इन्वर्टर से 100 वाट का बल्ब कार बैटरी से चलाने के लिए कंज्यूम हो रहे हैं 9 एम्पियर, बैटरी से 9 एम्पियर जा रहे हैं, जबकि यूपीएस से चलाएंगे तो जाएंगे 13.5 एम्पियर। ठीक है, इन शॉर्ट में अगर कहूं तो दोबारा देख लेते हैं, देखिए 8.9, मतलब कि पावर इन्वर्टर से बैटरी के थ्रू कम एम्पियर जा रहे हैं, मतलब कि पावर इन्वर्टर ज्यादा एफिशिएंट है 100 वाट का लोड चलाने के लिए। यूपीएस बैटरी से ज्यादा एम्पियर ले रहा है जबकि पावर इन्वर्टर इतने एम्पियर नहीं ले रहा है। ठीक है, यानी कि पावर इन्वर्टर से अगर हम सीलिंग फैन चलाएं या टेबल फैन चलाएं तो 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा ही चलेगा यूपीएस के कंपैरिजन में। यह था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।